सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सब तो जानते थे मेरी जिंदगी में खुशी आई थी, बताई भी थी आप सभी को, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया, कल परसों में एक भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ी, फिर भी मैं अपनी खुशी नहीं पाई। शायद बहुत लेट हो गया था। कोई ऐसी खुशी आती है अचानक से, हम बहुत खुश थे, अचानक से खुशी चली जाती है, बहुत दुख होता है। हमारी जिंदगी में दो बार हो गई, दो तीन बार ऐसी आती खुशी हमारी चली जाती है, पता नहीं हम क्या ऐसी गलती की है कि ऐसा हमको भोगना पड़ रहा है। भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? आप देख सकते हैं इतना सारा हमने एक भी हॉस्पिटल नहीं छोड़े, एक भी जाए गए वहां जाते हुए, चार पांच जगह गए, कहीं डॉक्टर नहीं मिला, कहीं बोले एक घंटा लेट लगेगा, एक घंटा बाद डॉक्टर आएगा, इतना सारा कागज है, बहुत सारा ये सब जांच हुई थी, ये सब खून की जांच हुई थी, ये थायराइड जांच हुई थी, सारी कागज है, ये शुगर जांच हुआ था, फिर हम गए, फिर देखिए कल अल्ट्रासाउंड यहाँ हुआ था, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ था, दो ही महीने हुआ था, इसलिए अल्ट्रासाउंड तीसरा महीना हम करने के लिए बोली, फिर कल ऐसे ब्लड चालू हो गया, फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, बोली अब कुछ नहीं हो सकता है, ये भी बहुत सारे जांचें की, फिर हम पूरी दिन हॉस्पिटल घूमे, फिर हम पाँच छः बजे घर पे आ गए। जब खुशी हाथ से चली गई, बहुत लेट हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन हम तुरंत भागे थे, सुबह ही गए, पूरी दिन एक जगह गए, आप जानते हैं जब जल्दी रहती है तो जल्दी नहीं हो पाता है, 10 बजे हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं, 10 बजे आए, एक जगह गए, वहाँ बोले सही है, फिर हमारा परेशानी होने लगा, फिर मैं दूसरी जगह गई, वहाँ बोले है ही नहीं है, सही है, फिर हम तीसरी जगह गए, फिर वो बोले कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो DNC करानी पड़ेगी, फिर क्या करें, जब कुछ नहीं हो सकती तो खराब हो गया तो क्या करें दोस्त, यही है हमारी ज़िंदगी में। वीडियो बनाने के लेकर भी बहुत सारी बातें हैं, ये भी ज़िंदगी में भी खुशी आई, ये भी चली गई, बहुत खुश थे, मैं बोली जाने दो, वीडियो बनाने का लेके बहुत सोचती थी, एक तो दुख था, फिर दुख आ गया, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, देखो क्या होता है, वीडियो बनाना छोड़ देती हूँ कि बनाती हूँ, अब ऐसा कुछ ज़िंदगी में नहीं दिख रहा है, मेरे को बहुत टेंशन है, ऐसा लग रहा है कोई ऐसा कुछ जीने का मन ही नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, मेरे को बैठा भी नहीं जा रहा है, बोली एक ब्लॉग बना के डाल दूँ मैं, कल से मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया है।